हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट आईडीबीआई बैंक की तरफ से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, असिस्टेंट मैनेजर की जो 600 वैकेंसी है, कुछ दिन पहले आईडीबीआई ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिक्लेयर की थी, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। शुरू से लेकर लास्ट तक फोटो, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, वो हमने पहले से वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट जो आईडीबीआई की तरफ से आ रहा है, अब इसके जो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के डेट है वो यहां पे एक्सटेंड हो चुकी है। तो पहले इसके जो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की डेट थी वो यहां पे 3 जुलाई 2019 थी और इसका जो एग्जाम था वो 21 जुलाई 2019 को कंडक्ट होना था। तो दोनों ही डेट्स यहां पे एक्सटेंड कर दी हैं आईडीबीआई बैंक ने। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे अब आपका एग्जाम कब होगा और क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं रिवाइज लाइन टाइमलाइन यहां पे आ रही है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए और रिवाइज डेट्स भी यहां पे ऑनलाइन टेस्ट की आ चुकी हैं। तो यहां पे हम नोटिस ओपन कर लेते हैं जो यहां पे ओपन यहां पे किया है आईडीबीआई ने। तो यहां पे फ्रेंड्स क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं लास्ट डेट इसकी यहां पे अब 7 जुलाई 2019 को रहेगी और इसका जो एडमिट कार्ड है, जो आपका एग्जाम अब कंडक्ट होगा 28 जुलाई 2019 और 13 जुलाई 2019 तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो आईडीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं लास्ट डेट जो एप्लीकेशन को सबमिट करने की वो एक्सटेंड यहां पे हो चुकी है। अच्छा मौका यहां पे स्टूडेंट्स को मिल रहा है, जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ की हुई है, कोई भी मिनिमम परसेंटेज उन्होंने नहीं मांगी और रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पे एज के लिए भी आरक्षण जो है वो रहेगा। तो वीडियो में आप अच्छे तरीके से देख लेंगे कंप्लीट क्या सिलेक्शन प्रोसेस का रहेगा, कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को फोन से ही आप फिलअप कर सकते हैं, कंप्लीट हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे नोटिस ओपन कर लेते हैं जो यहां पे इन्होंने अभी अभी अपलोड किया हुआ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2019 को लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की भी और पेमेंट करने की भी, यहां पे 7 जुलाई को ही आपकी लास्ट डेट रहेगी। और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा, अब इसका ऑनलाइन टेस्ट आपका 28 जुलाई 2019 को कंडक्ट होगा। पहले जो इनके प्रीवियस ऑफिशियल नोटिस आया था तब इनका जो एग्जाम है वो 21 जुलाई 2019 को होना था। सेकेंडली आप यहां पर एक बात ध्यान रखें, यहां पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो कि SC ST OBC एप्लीकेंट्स को दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स यहां पे SC ST वाले अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और वो वीडियो ये देख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो जब हमने इसका ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई किया था वहां पे आप अच्छे तरीके से अपनी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग को वहां पे यस कर देंगे, क्योंकि आपको यहां पे मौका मिल रहा है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लगाने का अपना जो एग्जाम है उसकी प्रेपरेशन करने के लिए। तो प्री एग्जामिनेशन के जो कॉल लेटर है वो आपके 15-16 जुलाई 2019 तक आ जाएंगे और 18 जुलाई 2019 से लेकर 23 जुलाई 2019 तक आपकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, जनरल स्टूडेंट्स के लिए ये आम है नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स यहां पे आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि इसके जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है उसमें क्या आपका रहेगा। उसमें आपको बेसिक सी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि एग्जाम से पहले आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पे ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है। जो स्टूडेंट्स यहां पे सोच रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को नहीं है, तो SC ST को ऐसे भी आरक्षण रहता है, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी उनको यहां पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहां पे कोचिंग टाइप दी जाएगी एग्जाम से रिलेटेड कि किस तरीके के आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी एग्जाम को करने के लिए। बाकी इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जनरल वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए और रिजर्व्ड वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई भी यहां पे नहीं रहेगा। बाकी रिक्रूटमेंट आपका सेम रहेगा, बाकी का जो कट ऑफ रहता है वो तो आपको पता ही है, कैटेगरी वाइज इसका डिक्लेयर होगा। तो फ्रेंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो बार बार मैं आपको यहां पर सुजेशन दे रहा हूं कि अगर आपकी ग्रेजुएशन पास है, 600 वैकेंसियां इसके अंडर है, पहले भी इसके असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसियां निकली थी, अब भी इसके असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसियां 600 निकली हैं, तो जल्दी से अपने फॉर्म को यहां पे कंप्लीट आप कर लेंगे, फोन से कंप्लीट प्रोसेस देख लेंगे, कैसे फोटो, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट्स को फोन से कैसे रिसाइज करेंगे, फोन से कंप्लीट कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस भी अच्छे से देख लेंगे, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था जो IDBI की तरफ से लेटेस्ट अपडेट, अभी अभी अपडेट आया है, डेट इसके ऑनलाइन फॉर्म की एक्सटेंड हो चुकी है। अब यहां पे जल्दी से फॉर्म को आप अप्लाई कर लेंगे और एग्जाम इसका ध्यान रखेंगे
28 जुलाई 2019 को इसका एग्जाम कंडक्ट होगा और इसके जो एडमिट कार्ड है 13 जुलाई 2019 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो जैसे ही प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के आपके एडमिट कार्ड आते हैं और आपके जो फाइनल एग्जाम के एडमिट कार्ड डिक्लेयर होते हैं तो वीडियो के थ्रू मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करवा दूंगा कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें आपके किस तरीके के सैंपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से, जो कि हमने सिलेक्शन प्रोसेस में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि क्या उसका सिलेबस रहेगा सेक्शन वाइज और किस तरीके की आपको वहां पर स्ट्रेटेजी जो है वो करनी है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी हर आने वाली अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।